आए तो हैंड रेज कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इश्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन। एक बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दे रखा है और एक प्रेफरेंस शेयर भी है, देखो 5,010 रुपये का। तो हमारा मेन मुद्दे की बात है, इस बैलेंस शीट में से हमने प्रेफरेंस शेयर निकाल लिया जिसका काम होगा हमारा। प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाला है? 10% वाला है ना। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, और बहुत जल्दी मैं अमेज़न का लिंक भी दे दूँगा। प्रेफरेंस शेयर और ये जी कितने हैं हमारे? 5,000 शेयर हैं। जिनके पास बुक नहीं है ध्यान देना बोर्ड पे, बस @100 एक बैलेंस शीट बना के दे रखी है। और बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिजर्व है जिसके अंदर कहता है जी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है पहले से, कितने रुपए का है? 1,10,000। लास्ट क्लास से आपको अच्छे से पता है इसका यूज़ होता है हमारा। उसके बाद एक क्या है हमारे पास? जनरल रिजर्व, कितने का? 7,50,000। नई बैलेंस शीट भी बनाएंगे इस चैप्टर में। सरप्लस, सरप्लस और सरप्लस एग्जाम में इसका नाम बदल के आ सकता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो घबराना नहीं है आपने। कितने दे रखे हैं? 2,00,000। 4,00,000 है, 2,00,000 है करंट लाइबिलिटी है, 4,00,000। आगे एसेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटी वगैरह दे रखा है। अब मैं अंदर के कंटेंट पढ़ने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन एग्जामिनर का डिमांड है वो पढ़ देता हूँ। इट वॉज डिसाइडेड 30 जून रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम 5%। कहता है हमने डिसाइड किया कि ये वाला प्रेफरेंस शेयर जो है ना इसे रिडीम करेंगे, और एट 5% प्रीमियम। तो बट ऑब्वियसली बात है, आपको पता है 5,000 × में अगर 100 करोगे तो 5,00,000 रुपये है, और 5,00,000 रुपये पे 5% प्रीमियम निकाल लेंगे, तो रिडीम कितने का होगा? टू फाइनेंस रिडेम्पशन ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। कहता है अगर हमें रिडेम्पशन करना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसे की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। इस केस में क्या करेंगे? हम इन्वेस्टमेंट बेच देंगे मार्केट वैल्यू का। और बुक के अंदर बैलेंस शीट के अंदर ही गिवन है मार्केट वैल्यू 2,80, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे गिवन है। इसका कॉस्ट जो है ना वो मैंने खरीदा था 3,00,000 का और हमने बेच दिया 2,00,000, और ये MV है मार्केट वैल्यू। तो आपको अच्छे से पता है 20,000 का तो नुकसान हो ही गया। आगे कहता है क्वेश्चन कंटिन्यू में, मार्केट एंड 10,000 इक्विटी शेयर 10 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, ऑल्सो इशू 10,000 12% डिबेंचर। और कंपनी ने क्या करा, 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए एट द रेट कितने का जी? 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 रुपये का, कोई प्रीमियम व्रीमियम नहीं लिया। और जी साथ के साथ इसने क्या किया, 10,000 डिबेंचर भी इशू कर दिया। नंबर दो, 10,000 डिबेंचर इशू किए, कितने परसेंट वाले डिबेंचर इशू किए? 12% वाले डिबेंचर इशू किए, और डिबेंचर का वैल्यू है एट द रेट 100 रुपये। आगे कहता है 1 अगस्त को द कंपनी बोनस इशू करता है 1 इक्विटी शेयर 2 इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन डेट। मतलब अगस्त की बात कर रहा है, तो अगस्त की बात करें ना तो पुराना हमारा इक्विटी शेयर क्वेश्चन बुक में देखे तो 90,000 है ना, और प्लस एक और इशू कर दिया हमने कितने, 10,000। तो टोटल इक्विटी शेयर हो गए हमारे पास, और 1,00,000 को कहता है जी बोनस इशू शेयर देंगे, जिसके पास 2 है उसको 1 देंगे, यानी डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो इसका मतलब 50,000 बोनस इशू होने जा रहा है। बोनस इशू अभी तक क्वेश्चन ही समझा रहा हूं मैं, अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने आंसर, समझ में आ रहा है ना आपको। और आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड द ओनली मिनिमम रिडक्शन शुड बी मेड रेवेन्यू रिजर्व। बोलता है ऐसा काम करके दिखाओ जहां पे रेवेन्यू रिजर्व का कम से कम इस्तेमाल हो, यानी जो रेवेन्यू रिजर्व कौन सा है, जनरल रिजर्व और सरप्लस, इसका इस्तेमाल बड़े ही कम करना है हम, और बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सीक्वेंस में इसको बचा के चलना, मिनिमम रिडक्शन, समझ रहे हो ना। इसके बाद आगे कंटिन्यू में कहता है, ड्राफ्ट जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू द कैश ट्रांजेक्शन टू द ट्रांजेक्शन शो द बैलेंस शीट आफ्टर द डेट रिडेम्पशन। और बैलेंस शीट भी बनाना है बोनस इशू करने के बाद।
तो क्वेश्चन तो जी मैंने पूरा पढ़ दिया, बैलेंस शीट में पूरा यहाँ लिख नहीं सकता, आप सभी के पास बुक है, बैलेंस शीट दिख रहा होगा, बाकी क्वेश्चन इसी से होना है पूरा। जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो पुरानी बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी, समझे। पहली एंट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट बेच देना चाहिए। नंबर वन इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और लॉस हो गया तो सरप्लस। सर आपको कैसे पता चला लॉस हो गया? जी देखो ना, यहाँ पे 3 लाख का था और आपने बेचा कितने का, मार्केट वैल्यू 280 का, तो बैंक में तो 280 आए, तो नुकसान कितने का हो गया, 20,000, और 2 मेरे पास से क्या चला गया, इन्वेस्टमेंट। तो सर यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा? तो सर यहाँ पे अमाउंट जो आएगा, बड़ा सिंपल सी बात है, 3 लाख। बीइंग लिखने की आवश्यकता है या कर लोगे? कर लेंगे। तो जितने बच्चे लाइव हैं, चाहे YouTube पे बच्चे हैं, उन सभी को समझ में आना चाहिए। देखो पहली क्लास देखोगे तभी दूसरी क्लास समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप बस वही रहेगा कि पता नहीं कैसे हुआ नहीं हुआ, कंफ्यूज रहोगे। पहली क्लास मेन होती है हमेशा। जी एक पार्ट डन कर दिया, इसको ऐसा कर देते हैं ना, 1 2 3 तीन कार्य हैं इसमें, और चौथा ये है, कहाँ गया चौथा जी? यानी इस क्वेश्चन में टोटल एग्जामिनर आपसे 4 काम करवाने वाला है, फ्रेश इशू भी करवा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बिकवा रहा है, बोनस इशू भी करवा रहा है, और सबसे मेन काम तो रिडम्पशन वाला है ही है, ठीक है, डिबेंचर भी इशू है ना। तो सबसे पहले इसने क्या करा भाई, इन्वेस्टमेंट के बाद इक्विटी है, ये इक्विटी इशू कर दें। अब क्वेश्चन में कई बार नहीं भी बोला जाता तो आप मान लो इसी तरीके से होगा, क्या करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब कुछ टीचर्स कहते हैं सर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट लगा लो, कई जगह बच्चे पढ़ते हैं तो आपकी इच्छा अलॉटमेंट लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आता है आपका बात 10,000 × 10 कितने हो गए, 1,00,000। अब कुछ बच्चों का कहना इसलिए क्योंकि देखो मेरे टाइम पे भी इसमें था के काफ़ी सारे टीचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लगाते थे, तो जब मैंने पेपर दिया था सेकंड ईयर का तो उसमें मेरे 75 में से 74 मार्क्स आए थे, तो उस टाइम पे मैंने कहीं नहीं लगाया था, और ये सारे क्वेश्चन रिपीट होके आए थे, तो उस टाइम पे मैंने कहीं भी नहीं लगाया था। तो उस सिचुएशन के अंदर आप भी, कई टीचर बोल सकते नहीं अलॉटमेंट लगाना है, तो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्या होगा हमारा शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ लेकिन ये जो मैं ESC लिखता हूँ ना, ये पूरा लिखना है आपने एग्जाम में, ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट? जी ये काम भी डन, ये काम भी डन, डिबेंचर इशू कर दें। डिबेंचर इशू करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। जी कितने अमाउंट हो जाएंगे यहाँ पे, 10,000 × 100 10 लाख है ना, 10 लाख, और 12% डिबेंचर टू, सॉरी 12% डिबेंचर नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12%, कोई प्रीमियम की बात ही नहीं है यहाँ पे। अब अगर हम ध्यान से देखें ना तो CRR कितने का बनेगा, वो आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा बताने की बात, मैं ही कर देता हूँ। CRR कितने का बनना चाहिए, हर किसी को विजुअल है यहाँ तक? तो CRR की अगर मैं बात करूँ तो जी CRR जो बनना चाहिए, टोटल हमारा 5,000 × 100 5 लाख रुपये एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम ज़रूरत है, 5 में से 1 लाख रुपये का तो आपने इक्विटी इशू कर दिया है, तो लेस कर देते हैं फ्रेश इशू 1 लाख, यानी 4 लाख रुपए का वी नीडेड क्रिएट सिक्योरिटी, सॉरी CRR कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम बनाना हो, CRR बनाना होगा, हर किसी को क्लियर है? चलिए CRR बना ले, इसके बाद क्या करना है हमें, बोनस इशू बाद में करेंगे, पहले हम रिडेम्पशन कर लेते हैं फिर बोनस इशू कर लेंगे लास्ट में, ठीक है।
रिडेम्पशन के लिए सबसे पहले सीआरआर, सीआरआर में सबसे एसपी का तो यूज नहीं हो सकता, जीआर का यूज कर सकते हैं। जीआर अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, और कितने रुपए, कितने बच्चों को इस 4 लाख में डाउट है बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। कितने स्टूडेंट को 4 लाख में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, क्वेश्चन नंबर 10, कितने स्टूडेंट को 4 लाख में डाउट है बताइए, चाहे लाइव में जो बच्चे हैं वो भी बताएं। है किसी बच्चे को 4 लाख में डाउट है क्या, समझ में आ गया, डन, चलिए ठीक है। अगली एंट्री क्या करेंगे, अब एंट्री करेंगे हम ड्यू की, कितने परसेंट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 लाख का 5% यानी 25,000, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5,25,000। अब पेमेंट कर दें इसकी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और लो जी इसको पेमेंट कर दिया टू बैंक। लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर लाइबिलिटी और यहां पेमेंट कर रहे हैं 5,25,000, कोई डाउट, ये 20 लिख दिया 25,000, भाई ध्यान दो बोर्ड पे। अब एसपी को राइट ऑफ करते हैं, हमारे पास पुराना एसपी है नया एसपी, तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ब्रैकेट में लिख देता हूं ओल्ड, समझ जाओगे ओल्ड से, ये कौन से वाला है, बैलेंस शीट वाला है, कौन से वाला है ये, बैलेंस शीट वाला, कितने प्रीमियम की आवश्यकता है 25,000, और टू आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा, न्यू या फिर रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन, लास्ट क्लास में काफी डिस्कस किया था हमने इसके बारे में, है ना। कोई डाउट यहां तक, अब बोनस इशू कर दे, है ना। अब बोनस इशू के लिए पैसे का इंतजाम कहां से किया जाता है, बोनस इशू वाले चैप्टर में बताया था, सीआरआर, और सीआरआर के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद मर्जी जो भी मिल जाए। अब हमें बोनस इशू कितना करना है, टोटल बोनस इशू और 50,000 ₹10 का एक यानी 5 लाख, सीआरआर में कितने हैं 4 लाख, 1 लाख एसपी में से उठा लेते हैं, तो सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम टू कोई डाउट हाँ 1,10,000 है, अच्छा 25 चले गया तो कितने बचे, तो यहां से 85 आएगा और 15 जीआर से ले लेते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे चले, अगले पॉइंट पे क्या होगा, बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी मैं एक वर्किंग भी कराऊंगा, बैलेंस शीट फटाफट से बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सारी एंट्री में देख लें, हर एक बच्चे से मैं कहूंगा एंट्री देखिए, जो भी डाउट है पूछिए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, फटाफट से रिव्यू करिए, जहां डाउट है आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मैं एंट्री मिटा दूंगा, नोट भी करने का टाइम दूंगा, फिर बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में क्या है कि आपका जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें कुछ चंद अमाउंट ऐड करना है और लेस करना है, बताइए फटाफट जिसका भी डाउट है। सीआरआर इसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, लास्ट क्लास में आए थे आप, पहले जनरल रिजर्व से क्या करते थे, पहले सीआरआर होता ही नहीं था तब जाके हम जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। सबसे पहले सीआरआर, नंबर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो ध्यान से समझना, सीआरआर जो है ना,
उसका सिर्फ बोनस इशू के लिए यूज़ हो सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह यूज़ हो सकता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर यहाँ इस्तेमाल नहीं किया तो और भी ऑप्शन है, लेकिन CRR यहाँ इस्तेमाल किया तो कोई ऑप्शन, तो बोनस में ही लगाओ पहले। और प्रॉफिट का तो इस्तेमाल करने की जगह है हमारे पास। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री, इन्वेस्टमेंट में देखो क्वेश्चन में बुक में क्या कहता है, अभी एक इकट्ठा ले लेंगे। राहुल आपका इन्वेस्टमेंट भी ले लेते हैं, कैलाश, कुलदीप, डॉली, राजा, दृष्टि, दामिनी, आप सबके अगर डाउट हैं तो बताइए, डाउट नहीं है तो नो नो करके कमेंट में डाल दीजिए, ताकि मैं जो राहुल का डाउट है उसको क्लियर कर पाऊँ। राजा नो, डॉली दामिनी नो, कोई डाउट नहीं। चलिए राहुल मैं आपका डाउट बता दूं। देखो राहुल, यहाँ इन्वेस्टमेंट हमारे पास एसेट्स में था जिसकी कीमत 3 लाख और उससे मार्केट वैल्यू 2.80। क्वेश्चन में कहता है इसको बेच दिया जाएगा और कितने में बेचा जाएगा, मार्केट वैल्यू। तो आप समझिए कि 3 लाख वाले आइटम को अगर 2.80 में बेचा जाए तो होगा क्या, बड़ी सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने का, 2.80, क्योंकि बेचेंगे तो पैसा आएगा। सरप्लस डेबिट नुकसान, ये P&L है, ये P&L है, लॉस, ये लॉस है 20 का और हमारा इन्वेस्टमेंट चले गया यहाँ पे 30,000 का। सिंपल एसेट्स बेचने की एंट्री है, ठीक है राहुल, ठीक है ना। तो मैं अब आपको क्या बताऊँगा, बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ चेंजेस होने हैं। तो सबसे पहले तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, 0। दूसरा अगला फर्क जो आने वाला इक्विटी शेयर कैपिटल, वो होने वाला है आपका 1 लाख, 50 बोनस नहीं 1.5 लाख, वो होने वाला 1.5 लाख। सर 1.5 लाख कैसे होगा, 90 तो पुराना था, जिनके पास बुक है वो समझ रहे होंगे। प्लस 10,000 का हमने फ्रेश इशू किया और प्लस 50 का बोनस, तो इस तरीके से हमारा कितने हो गए, 1.5 लाख और गुणा में 10, तो ये 15 लाख होने वाला है बैलेंस शीट में। एक तो ये चेंजेस, पहला चेंजेस, दूसरा चेंजेस, अब तीसरा चेंजेस, इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में बचने वाला है 0, ठीक है। फोर्थ चेंजेस, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम सारा इस्तेमाल हो गया, बचेगा 0। फिफ्थ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व था कितने का आपके पास, 750 का, 750 का आपके पास जनरल रिजर्व था, जिसमें से आपने यूज कहां कहां करा वो मैं बताता जाता हूं। एक CRR में आपने 4 लाख यूज कर लिया और एक यहां 15,000 यूज कर लिया, तो आपके पास बचेगा 335 जनरल रिजर्व में। फोर्थ चेंजेस के बाद, फिफ्थ के बाद, सिक्स चेंजेस, कैश के अंदर आपका पैसा पहले जो भी पड़ा था मैं बता देता हूं बैलेंस शीट में, जी कैश में कितना था, कैश एंड कैश 180 था हमारे पास, है ना, प्लस इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया, कितने आए 280, प्लस डिबेंचर बेच के पैसा आया, कितने आए 10 लाख, प्लस इक्विटी शेयर बेच के पैसा आया, कितने आए 1 लाख, माइनस कितने हो गए टोटल करिए 1560, और माइनस कर देंगे जो हमने पेमेंट करा है, पेमेंट तो जी एक को ही किया है, माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया है, कितने का पेमेंट किया 525, तो कितने बच गए 10, 35 बच गए, कोई डाउट। तो यहां जगह पे चेंजेस होगा, देखो और किसी जगह तो हमने चेंजेस किया ही नहीं है, और एक डिबेंचर आ जाएगा, इसे मिटाता जा रहा हूं, कर लिया है। छठे के बाद सातवां चेंजेस, एक डिबेंचर और ऐड हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, कितने रुपए का जी 10 लाख रुपए का, है ना, समझ में आया। 7 चेंजेस करोगे आपका टकाटक नया बैलेंस शीट तैयार, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उस बैलेंस शीट में एड ऑन करना है। बुक के अंदर बच्चे देखते हैं सर बड़ा सजा के लिख रखा है, डिटेल में लिख रखा है, जी आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, और एग्जामिनर बोलता है भाई आपने अगर वहीं पर प्लस माइनस करके दिखा दिया इट्स ओके, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जितना बुक में लिखा हुआ है बुक के अंदर सब दिखाएगा डिटेल में आपको, तो नो नीड टू पूरा आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल दिखाना है, अगर वहां पे माइनस प्लस करके दिखा सकते हैं ओके, एग्जामिनर को पता है,
हाँ जी, नोट सिर्फ शेयर कैपिटल पे ज्यादा फोकस्ड होगा, बाकी सब में जैसे कि जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व के नोट्स, अगर आपके पहले किस किस के नोट्स बने हैं, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में एक दो चेंजेस है, जिसमें एक चेंजेस से ज्यादा है उसके लिए नोट्स बना दीजिए, जिसमें एक ही चेंजेस है जैसे डिबेंचर इशू है इसके लिए क्या नोट्स बनाएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी या पहले से डिबेंचर है उसमें ऐड करके दिखा देंगे, हमारे बुक में देखें तो पहले से डिबेंचर नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी उसमें ऐड करके दिखा देंगे, समझ रहे हो बात को। तो एक बार मैंने चेंजेस लिखा है समझाने के लिए, किसी को इस चेंजेस में डाउट है तो बताइए, चेंजेस क्लियर, बैलेंस शीट अभी बन जाएगा, किसी को डाउट इस चेंजेस में? हाँ, एक सरप्लस में भी चेंजेस है, आठवां पॉइंट सरप्लस, सरप्लस में नहीं दिखाया मैंने, कुलदीप ने बिल्कुल सही बताया, सरप्लस 2,00,000 था, 2 में से हमारा नुकसान हो गया था 20,000, यानी ये बचेगा 2,00,000 माइनस में, यानी 1,80,000। देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से उनको तो समझ में आ रहा है, और वो लग रहा होगा ये तो छोटी सी बात है ये कर लिया हमने, ठीक है, बनाएं बैलेंस शीट, बताइए बनाओ बैलेंस शीट, स्टार्ट करूं? चलिए ये मिटा देते हैं, एक तो मिटा दिया मैंने पॉइंट, एक दो तीन, तीन कहां गया भाई मेरा, चलिए बैलेंस शीट बना देता हूं। आप मुझे पुराने बैलेंस शीट को पहले एक बार उतार लेते हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है आपने। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 होता है रोमन में इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये अंडरलाइन कर लिया। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर फंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसके अंदर ए पार्ट क्या होता है, शेयर कैपिटल, बी पार्ट क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए नोट 1 बना लेंगे, इसके लिए 2 बना लेंगे, सी पार्ट डी पार्ट नहीं है कुछ भी। नंबर 2 पे आ जाते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर पहला पॉइंट आता है ए पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर ये सारी बातें तो बैलेंस शीट में नहीं है, याद करनी पड़ेंगी आपको, मैं बैलेंस शीट की वीडियो अपलोड करूंगा और उसे आप देखेंगे, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे जो भी काम हुआ है और इसके जगह अमाउंट लिख देंगे। सर तीसरा पार्ट क्या होगा, तीसरा पार्ट आता है लास्ट फाइनल करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के बाद यहां पे आ जाएगा टोटल, टोटल के बाद चलते हैं हम किस पे, एसेट्स पे, नंबर 2 एसेट, जो बुक में कर रखा है एसेट्स जिस पैटर्न में लिखा है उसी में जवाब देंगे। सबसे पहले क्या है हमारा, नॉन करंट एसेट, इसके अंदर क्या ए पॉइंट है, ए पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वैसे थोड़ा सा इसके अंदर होना चाहिए आपका टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी टेंजिबल एसेट्स कर देते हैं इसे, टेंजिबल एसेट। दूसरा इसके आगे क्या है, सर यहां पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है आपने टेंजिबल, क्योंकि मैं बैलेंस शीट दूंगा तो जहां पहले होता है हमारा टेंजिबल, और टेंजिबल से भी पहले इनफैक्ट एक फिक्स एसेट्स होता है, प्रॉपर जो हमारा बनेगा ना बैलेंस शीट उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अभी तो हम काम चलाओ बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉपर तो हमारा एक चैप्टर है उसमें सीखेंगे। इसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नो नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि रहा ही नहीं, जीरो हो गया,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं। इसके बाद है आपका करंट एसेट्स। तो सेकंड पॉइंट करंट एसेट्स, मेरे पास स्पेस भी कम है उसके हिसाब से बना रहा हूं मैं। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या बात है भाई? नंबर ए इन्वेंट्री, नंबर दो ट्रेड रिसीवेबल, नंबर तीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इस लाइन को पूरा खींच देते हैं। सर नोट्स किसके बनाने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स किसके बनाने हैं? सिंपल सी बात है, जिस जिसके चेंजेस हुए हैं उसके बना दीजिए बस, अगर जिन बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न है टोटल। तो जिस जिसके चेंजेस हुए हैं, पहला नंबर चेंजेस शेयर कैपिटल। सर इसको कैसे करोगे? नोट नंबर वन लिखेंगे ना, इसके बाद ऑथराइज कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करो। नहीं दे रखा छोड़ो ऑथराइज कैपिटल और स्टार्ट कर दो। यहाँ पे बनाना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था जी? 5 लाख। लेस रिडीम कितने? 5 लाख। कितने बचे? 0। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने थे? 9 लाख। प्लस बोनस या फ्रेश इशू कितने? 1 लाख। टोटल हो गए 10 लाख प्लस बोनस। यही डिटेल तो देना है आपने, और ये आ गया 15 लाख। लो जी बन गया नोट नंबर वन। सर जो हमने पिछले वाले चैप्टर में किया था इशू नॉट सब्सक्राइब, वो सब हटाओ, यही करो बहुत है, नहीं जरूरत। बन गया नोट, ठीक है। टोटल क्या आ गया? 15 लाख। उठा के लिखो 15 लाख। क्लियर कैसे करना है? बस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए और एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन ही तो है। अब दूसरे नंबर, पहले का भी पॉइंट डन। हाँ तो रुपीस में चल रहा हूँ ना मैं, अमाउंट में चल रहा हूँ। आप पूरा डिटेल लिखना चाहते हैं ना इसमें तो लिख दीजिए 90,000 एट द रेट, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप रजिस्टर में तो लाइन मिल जाता है आपको, वहाँ लिख सकते हो आप, समझ रहे हो। नोट नंबर टू किसके लिए बना ले? रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए नोट नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस कैसे बनाएंगे सर? वैसे हालांकि मैंने अलग अलग बना रखा है लेकिन यहीं बना देते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था? 110 के और माइनस 110 के करके दिखा के 0 बता दीजिए, एग्जामिनर को पता चल जाएगा इसने माइनस कर दिया है। और डिटेल में आप बताना चाहते हो तो लिखिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है, वो लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जीआर में। 7.5 कितना था भाई? 7.5 माइनस में कैसे कैसे यूज हुआ ये है ना, 4 लाख माइनस 15,000। तो इसको यहाँ दिखा दीजिए 3,35। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम क्या सरप्लस? सरप्लस में 2 लाख था माइनस 20,000 जो कि यहाँ दिखाया मैंने 180। तो बस यही है, टोटल क्या आ गया जोड़ो 5 लाख और ये लिख दिया जी 5,15,000। अच्छा 5,15। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितने परसेंट था? 12% था, 10% डिबेंचर था, 10% डिबेंचर 12% डिबेंचर लिखा और यहां लिखा हमने 10 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी तो पहले से लिख रखा था 4 लाख है ना, टोटल बाद में। अब टेंजिबल एसेट्स के अंदर हमने कोई छेड़खानी करी नहीं है, पहले कितने का था बताओ बैलेंस शीट में? 13 लाख 70,000, कोई चेंजेस ही नहीं किया। इन्वेंट्री में कोई चेंजेस नहीं किया, कितने है? अरे बताओ इन्वेंट्री, नौ लाख। ट्रेड रिसीवेबल
1 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए पहले ही नोट बना लिया मैंने, ये रहा नोट, ठीक है ना, नोट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसे हटा दूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसे थोड़ा कॉलम वगैरह बना दोगे आप, 10 लाख बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैच करो, आ रहा है नहीं आ रहा, ये चलिए देखते हैं, मैच होना ज़रूरी है, चौंतीस पंद्रह है ना, हाँ 70 रिजर्व सरप्लस कितना आ रहा है, 25, ये गलत लिख दिया मैंने, चौंतीस पाँच भाई सही है गलत है अभी बता दो, बुक का देख के नहीं बताना, नहीं कहीं और कोई चीज छोड़ तो नहीं दिया हमने, सरप्लस में कुछ और तो नहीं छोड़ा मैंने, 3 25 ये 35 नहीं है, ये गलत बताया फिर, माइनस 7 50 माइनस 4 लाख और ये 25,000 है, पंद्रह ही लिया, अच्छा रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 7 50 माइनस 4 लाख माइनस 15 3 35 प्लस 180 5 15 ठीक है, अभी देख लेते हैं, क्या पता पुराना बैलेंस शीट में कुछ पड़ा हो मैंने ध्यान ना दिया, 2 मिनट लगेंगे बस चेक कर लेते हैं, एसपी में कितना था भाई पहले हमारा, पुराना एसपी में कितने रुपए था, 1 10 इसको देख लेते हैं, 1,10,000 माइनस में कहां कहां यूज किया था एसपी, एक यूज किया था कहां पे हमने, 25 85 बैलेंस शीट बुक का चेक कर लो भाई, बुक का गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो बैलेंस शीट का टोटल देखते हैं, हो सकता है गलत हो, जी पकड़ी गई गलती, बैलेंस शीट का टोटल गलत है, पुराने क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट था वही गलत दे रखा है, सही करने के लिए क्या है, वो 1,10,000 एसपी है ना, वो 1 10 नहीं है, वो 1 लाख है, तब जाके ठीक होगा, ठीक है ना, तो यहां पे 25 कर देते हैं, सुन लो मैंने कोई गलती नहीं की थी, गलती है क्वेश्चन के बैलेंस शीट में, टोटल करोगे तो टोटल मैच नहीं होगा, आपके सामने बैलेंस शीट है, तो कई बार हम ऐसा करके देख लेते हैं, हाँ वही एक मिनट देखो मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, सुन लो, आपके बुक के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखा है ना उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, उस मिसप्रिंट को ठीक कर लेते हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम 1,10,000 दे रखा है ना उसे काट के 1 लाख कर ले, तब देखेंगे आपके बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आपका जो दे रखा है क्वेश्चन में 28,50,000 तब मैच हो पाएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे करता हूँ, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा होगा 1 लाख रुपए तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे जो इस्तेमाल होगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम वो ओनली एंड ओनली हो सकता है 75 क्यों 75 क्योंकि 25 तो हमने यहां यूज कर लिया ना राइट ऑफ करने में,
बचे 75, 75 यूज हो गया। तो अब मैं अगर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाऊं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखा जाए सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो हो गया, और जीआर में ना 25 आएगा, जीआर में 15 नहीं आएगा 25। तो यहां पे देखोगे तो यहां पे आ जाएगा 300,000, बताइए 25,000, 300,000। और जब हम 325,000, देखो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अब आप बुक में लग जाओगे, बुक के क्वेश्चन गलत है, ये नहीं हो जाता है, मिस प्रिंट ही तो हुआ है, हमने करेक्ट कर लिया। 505,000 यहां लिखेंगे, 505,000 यहां पे 10,000 कम हो जाएगा, तो 34,05,000 यही आ रहा है ना। अब नीचे का भी टोटल यही आ रहा है जी, दोनों साइड मैच करेक्ट, जो चाहते थे वो हो गया। अब इसको करना कैसे है, आपके बुक में थोड़ा सजा सजा के कर रखा है, उससे थोड़ा सा आप देख के और उसी के अकॉर्डिंग नीट एंड क्लीन आप कर लोगे। मैंने तो देखो थोड़ा एडजस्टेड करके किया उसके अकॉर्डिंग। तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? डेफिनेटली, इसके अंदर अभी और पार्ट ऐड होने बाकी है, ये पूरा नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते थे ना ट्वेल्थ वाला ही अकाउंट्स है, तो जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को पता चलेगा ट्वेल्थ वाला है या फिर नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्जन के अंदर जैसे मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 1,00,000 का, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 50,000 का। मेन मोटिव क्या रहता है बताओ? अगर मैं बोलूं चलो मैं इसको रिडीम कर रहा हूं, इसको रिडीम कर रहा हूं, तो आप रिडीम जब करते हो तो आपका कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया 50। जबकि लॉ क्या परमिट करती है अपनी कैपिटल को रिडक्शन करने का? नहीं, लॉ कहती है कैपिटल कम किया तो दो ऑप्शन है, या तो आप CRR बनाइए, CRR बनाइए 50 का, या फिर आप इसी के अंदर और ऐड करिए फ्रेश इशू, यही कहते हैं। नाउ क्वेश्चन में क्या है कि मेरा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, 50,000 है, मैंने बोला मैं रिडीम कर रहा हूँ और इसको बदले में क्या दे दूंगा। कन्वर्जन में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर स्पेशल कैटेगरी के शेयर होते हैं, इसको दे देंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 50 को हटा के इसको मैंने 50 का इक्विटी दे दिया, तो मेरा जो कैपिटल था वो कितने का हो गया, 1,50,000 का हो ही गया। तो क्या CRR बनाना है? नहीं बनाना। तो कन्वर्जन के केस में नो नीड टू क्रिएट CRR, समझ में आई बात? पहले इस वर्डिक से आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, इसलिए मैंने पहली क्लास में ये कॉन्सेप्ट लेके चला था मैं। हर किसी को ये बात क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दे, क्लियर है? फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, जो बच्चे लाइव क्लास में वो भी बताएं कि यहाँ पे CRR मत बनाइए सर क्योंकि कैपिटल अफेक्टेड नहीं है। जो बच्चे लाइव क्लास में मैं देख रहा हूँ सबको क्लियर है? यस, क्लियर है। अब मेरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या कहा कि मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं जी, 50,000 है। मैंने बोला भाई तुझे मैं इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा लेकिन 100% प्रीमियम पे दूंगा, इसका मतलब मेरा 10 वाला इक्विटी शेयर इसको कितने में दूंगा, वर्ड समझ रहे हो, मेरा इक्विटी शेयर 10 वाला है। मैंने बोला तुझे हक तो मैं दे रहा हूं लेकिन मैं तुझे कितने में दूंगा, 100%। अब मुझे जवाब दीजिएगा आप, इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने मिलेंगे, 50,000 रुपये का मुझे देना इक्विटी शेयर लेकिन एक शेयर कितने का, तो इसको कितने दूंगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 2500 गुणा में 10, यानी 25,000 का कैपिटल दूंगा मैं इसे। और 25,000 का क्या रहेगा, आप समझिएगा बात को, सिक्योरिटी प्रीमियम और ये क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर मैं इसे रिडीम करूंगा तो वापस यहां पे जुड़ेगा कितना, क्या कैपिटल अफेक्टेड हो गया, कितने से अफेक्टेड हुआ, तो क्या मुझे 25 का क्या बना लेना चाहिए, समझे बात? तो कन्वर्जन के केस में CRR बन भी सकता है और नहीं भी, जिस केस में हमारा अफेक्टेड हो जाए ना टोटल कैपिटल, उस केस में कंपनसेट कर दोगे किससे, CRR से। जिस केस में जैसे पहले वाला केस बताया अफेक्टेड नहीं हुआ था, उस केस में नो नीड टू क्रिएट, समझ में आई इतनी सी बात, छोटी सी बात है, ठीक है, क्लियर है? हर किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं आपके बुक का 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो मैं समझाऊंगा भी और मैं कर भी दूंगा। किसी को डाउट है तो बताइए, या आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप जी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बुक का क्या कहता है, बड़े सिंपल और साधारण वर्ड में कहता है कि कंपनी ने कहां गया जी, कहां गया,
11 नंबर कहाँ गया, दिख नहीं रहा, ये रहा, मिल गया मिल गया। कहता है कंपनी ने श्वेता लिमिटेड रिडीम 10,000 प्रेफरेंस शेयर बाय कन्वर्टिंग इक्विटी शेयर 25% प्रीमियम पे। यानी श्वेता लिमिटेड ने कितने प्रेफरेंस शेयर हमारे ₹1,00,000 के, तो प्रेफरेंस शेयर ₹1,00,000 के हैं, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, लेकिन एट 25% प्रीमियम। तो अभी मैंने बताया जब प्रीमियम पे कन्वर्ट होता है ना तो नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पे सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है आप निकाले नंबर ऑफ शेयर्स। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कैसे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस आपको याद आ रहा होगा, अदर देन कैश में भी करा था ये। तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट ₹1,00,000 देना है, इशू प्राइस क्या होगा 25%। सर फेस वैल्यू भी नहीं दिया इक्विटी की, मानो आपकी मर्जी, ₹100 मानो 10 मानो मर्जी है, मैं ₹10 मान लेता हूं तो 12.5 यहां आ जाएगा। सर अब 12.5 कैसे आए ये बता दो जी, ये तो आपको पता है 10 फेस वैल्यू प्लस में 25% 2.5, समझ में आया। जब इसको 12.5 से डिवाइड करेंगे तो कितने रुपए आएंगे, नंबर आएंगे बताओ 80 नंबर आएंगे, जबकि हमारा कैपिटल रिडक्शन 1,00,000 का हो रहा है, 8,000 कैपिटल रिडक्शन कितने का हो रहा है 1,00,000 का, जबकि हम दोबारा कैपिटल में जोड़ने को तैयार हैं कितना, सिर्फ बोलो कैपिटल रिडक्शन कितने का हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट से जाएगा कितने का जाएगा, और मेरा इक्विटी में जुड़ेगा कितना जुड़ेगा, 8,000 ₹10 के हिसाब से 80 तो जुड़ेगा, यानी ₹20,000 का कहीं ना कहीं CRR बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जनरल एंट्री पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं जनरल एंट्री पे। तो जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये ड्यू हो गया, इसको पैसे देने कितने ₹1,00,000, बींग वही लिखेंगे जो पहले लिखते थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अमाउंट ड्यू, समझ में आया। अब दे दे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ₹1,00,000, लेकिन तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल कितने मिलेंगे, 8,000 गुणा में 10, यानी ओनली 80,000 आपको मिलने वाले हैं, और साथ के साथ कंपनी ने लिया सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का। अब आपका दिमाग कहता है कि CRR बनाए या ना बनाए, मैंने लॉजिक बता दिया है, तो CRR बनना चाहिए। तो ये SP किस काम आएगा, CRR बनाने के, SP2 याद होगा ना, SP का यूज कर लिया हमने यहां पे CRR। अब एक मुद्दे की बात होती है, सर आपने तो बोला था कि SP का इस्तेमाल नहीं हो सकता CRR, लेकिन इस केस में हो सकता है, कन्वर्जन वाले केस में हो सकता है, ध्यान रखना ये सारी बातों को। तो कितने रुपए आ जाएंगे जी, 20,000 और 20,000, ठीक है। CRR हमने क्या कर दिया, कोई दिक्कत, आंसर डन, कन्वर्जन डन, इसमें ज्यादा एंट्री नहीं है। बाकी जो बड़े और अच्छे लेवल का कन्वर्जन है वो डिवेंचर में है, कोई दिक्कत। कन्वर्जन में क्या था, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाओ और इक्विटी दो, बात खत्म। ये बुलाने की एंट्री हो गई, ये इक्विटी शेयर दे दिया, नुकसान हो गया इसलिए CRR में डाल दिया। अगर मैं 1,00,000 के इक्विटी देता ना उसे, ये भी एंट्री नहीं करता, समझे बात। और या तो सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह पे ना आप एक वर्ड और लिख सकते हो, सरप्लस लिख दो, आपकी झंझट ही खत्म। सर सरप्लस तो है नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में सरप्लस आपका, क्योंकि ये वाला सरप्लस में उठा के डाल देते हैं, तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं, आप अजम्पशन लोगे कि हमारे पास सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आप सरप्लस डाल दो, आपकी दुविधा खत्म कि SP यूज करें या ना करें, ठीक है ना, क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि श्वेता लिमिटेड ने फिर से 10,000 प्रेफरेंस शेयर ₹10 ईच। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट टू है इसका, 10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट कितने का एक है, बोलो 10 का एक है, रिडीम कैसे होगा एट प्रीमियम कितने, 1.25 रुपीस दे रखा है, ओके। और बदले में कन्वर्जन क्या कर देंगे इसे, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए
पहली एंट्री क्या करें, ड्यू कर दें, पहली एंट्री ड्यू करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो मैं इधर उधर तो लिख रहा हूं, मेरे पास जहां जहां जगह मिल रहा है लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता भी चल रहा है तो आप ध्यान से नोट करिएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कितने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट जी? 1,00,000 रुपए। कौन बच्चा बताएगा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? क्योंकि आपका 10,000 शेयर है और 1,25,000 रुपए का, तो 12,500। और टू प्रेफरेंस शेयर कितने? 1,12,000। अब क्या करें, पेमेंट कर दें इसको? तो बैंक से तो पैसा नहीं मिलेगा जी, आपको बदले में क्या देने जा रहे हैं हम? तो लॉ कहता है कि आपका कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, लॉ ये नहीं कहता ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रेफरेंस शेयर खत्म 1,00,000 का होगा, लेकिन बन कितने का जाएगा कैपिटल? 1,12,500 का। समझ में आई बात? एसपी को राइट ऑफ करना है तो क्या कर दें, एसपी टू। एसपी का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कितने? 12,500। 12,500। लो जी क्वेश्चन नंबर 11 पूरा डन। ये कन्वर्जन, ये सारी छोटी छोटी एंट्री आपको रिमाइंड रखना है, किसी भी क्वेश्चन में डाल देगा एग्जामिनर, किसी भी क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट डाल देगा ये, और वहां पे दो एंट्री करके खत्म करना होगा आपको। किसी को डाउट है तो बता दीजिए अभी फटाफट से, मैं अभी क्लियर करूंगा आपके डाउट।